तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बोला पॉइंट वन कि हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे हम प्रश्न कुंडली के द्वारा किसी की सेहत से संबंधित देख रहे हैं, चाहे हमारे समक्ष जन्म कुंडली आ जाए, तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि चर लगन की कुंडली है, स्थिर लगन की कुंडली है या द्विस्वभाव लगन की कुंडली है। तो चर लगन के जो चार्ट है या स्थिर लगन का जो चार्ट है या द्विस्वभाव लगन का चार्ट है, इनके जो मारक भाव है वो दूसरा और सातवां होते हैं। चर लगन वालों का 11वां भाव बाधक है, स्थिर लगन वालों का 9वां भाव और द्विस्वभाव लगन वालों का 7वां भाव बाधक भाव होता है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि बाधक भाव मारक भावों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जैसा कि चर लगन वालों का यदि आपने डायरी या कॉपी या रजिस्टर साथ में रखा है तो नोट भी कर सकते हैं कि चर लगन वालों का पहला, तीसरा, पांचवा, नौवां और दशम भाव जो है ये पॉजिटिव भाव हैं, दूसरा और सातवां भाव जो हैं मारक भाव हैं, 11वां भाव जो है बाधक भाव है, तो नेगेटिव भाव 6, 8, 12 हैं। यहाँ पर क्योंकि आयु से संबंधित प्रश्न हो, कोई बीमारी से या दुर्घटना से संबंधित, तो छठा भाव जो है वो रोग, जो शरीर को रोग पकड़ ले, चाहे शरीर को वो बीमारी के रूप में रोग पकड़ ले या दुर्घटना के बाद जो शरीर को बीमारी या चोट के द्वारा जो बीमारी एक तरह से पकड़ में आ जाती है, तब भी 6, 8, 12 इन भावों को हम देखते हैं। अब उसके बाद जो स्थिर लगन वाले हैं इनका बाधक भाव 9वां भाव होता है, और पॉजिटिव भाव जो हैं पहला, तीसरा, पांचवा, दशम और 11वां भाव, तो दूसरा और सातवां इनका भी मारक भाव होता है, और 6, 8, 12 जो है वो नेगेटिव भी गिने जाते हैं। अब द्विस्वभाव जो लगन होता है मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनका मारक भाव दूसरा और सातवां है, तो बाधक भाव भी सातवां ही है। इनके जो पॉजिटिव भाव हैं पहला, तीसरा, पांचवा, नौवां, दसवां और 11वां भाव जो हैं ये पॉजिटिव हैं, 6, 8, 12 जो हैं नेगेटिव हैं, 2 और 7 मारक हैं, तो सातवां बाधक भी है। तो ये तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव के संबंध में आपको मैंने बताया। और जैसे यहां पर ये धनु लगन है तो ये एक तरह ये द्विस्वभाव लगन है। मेष लगन से एंटी क्लॉकवाइज हम चर, स्थिर, द्विस्वभाव को लेते हैं। जैसे मेष चर है तो वृषभ स्थिर है और मिथुन द्विस्वभाव है। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस प्रकार से। तो अब लगन हमारे समक्ष कोई भी हो, जैसे ये टाइम चार्ट लिया है तो यहां पर धनु लगन बना है, तो लगन जो है कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो भाव या भाग होता है, लगन से ही जातक की शारीरिक स्वस्थता का पता चलता है और उसकी आयु के विषय में जो है हम देख सकते हैं। यानी कि जो लगन के जो को रूलिंग है, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, ये यदि नेगेटिव भावों के अत्यधिक कारेश हों तब आयु छोटी समझी जा सकती है। पॉजिटिव लगन के अनुसार पॉजिटिव भावों के कारेश होंगे तो आयु लंबी समझी जा सकती है। तो यहां पर यदि जन्म के समय लगन के को रूलिंग ग्रह लगन के हिसाब से नेगेटिव भावों के कारेश होंगे, 6, 8, 12 भावों के कारेश होंगे, तो जन्म से ही हम कह सकते हैं या बचपन में ही जो है बीमारी वगैरह या शरीर किसी ना किसी प्रकार से जो है रोग से घिरा हो सकता है। इसके अलावा लगन यदि पीड़ित हो तो एक तरह से बीमारी, दुर्घटना लगी रहती है। जैसे लगन के को रूलिंग है या लगन का उपनक्षत्र स्वामी है, 6, 8, 12 भावों का कारेश है, 1, 6, 8, 12 भावों का कारेश है, तो पहला भाव शरीर का, छठा भाव रोग का, 8वां और 12वां भाव जो है घातक और व्यय परेशानी, 12वां भाव जो होता है कुंडली में अस्पताल का भी होता है। जैसे लगन शरीर है, छठा भाव रोग है, तो रोग लगेगा या
आठवां भाव और बारहवां भाव दुर्घटना का है, तो इन सब के बाद अस्पताल, डॉक्टर या क्लिनिक, यहां पर जो है जातक जा सकता है। तो लगन से संबंधित, अब किसी बालक का जब जन्म होता है तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो महादशा स्वामी के रूप में, जिस उप नक्षत्र में होता है वो अंतर्दशा स्वामी के रूप में, जिस उप उप नक्षत्र में होता है वो प्रत्यंतरदशा स्वामी के रूप में जातक की जो है जन्म समय से दशा चलती है। और यदि जन्म समय की दशा लगन के नेगेटिव भावों की कार्येश हो तो फिर बचपन में बीमारी वगैरह या आए दिन कोई ना कोई या मौसम बदलने के साथ जो है बीमारी वगैरह लग सकती है। तो ऐसे में ये ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात हमेशा ध्यान में रखें, जिन जातकों की कुंडली में लगन के जो को रूलिंग हैं या लगन का जो उप नक्षत्र स्वामी है, मारक बाधक, लगन के हिसाब से मारक बाधक 8-12 भावों का कार्येश होना, तो हमेशा उनके माता पिता को, या अगर जातक अब समझने लायक हो गया है तो उसको ये बोलें कि कभी भी किसी निर्जन स्थान पर, पहाड़ी स्थानों पर, नदी आदि में अकेले नहीं जाना। कहने का मतलब, चाहे बढ़िया तैराक हो लेकिन नदी में अकेले नहाने नहीं जाना, कुछ कभी भी घटित हो सकता है। निर्जन स्थान पर कभी भी कोई दुर्घटना या कोई अनजाने लोगों द्वारा परेशानी दी जा सकती है। और यदि कुंडली में चंद्र के साथ या चंद्र के ऊपर शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव हो, या चंद्र के साथ हो या प्रभाव हो, ऊपर से लगन जैसा कि हमने समझा कि पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों के साथ जैसे हम कहते हैं कि लूटपाट हो जाना यदि सुनसान इलाकों से जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से हमला, लूटपाट या जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का हमला उन पर हो सकता है। इसके अलावा यदि वो जंगली स्थानों से जाते हैं तो उनके ऊपर जंगली जानवरों के द्वारा हमला होने के भी चांसेस बन सकते हैं। यदि वो अकेले नदी में नहाने जाते हैं तो उनके लिए डूबने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका लगन पीड़ित है। और दूसरी बात, जैसा कि हमें मालूम होता है कि जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल आग के पास जाएगा तो आग उसको पकड़ेगी, तो जब लगन पूरी तरह से पीड़ित हो तो ये समझ लीजिए कि वो पेट्रोल रूपी है। तो कभी भी मान लो वो शहर से 10 किलोमीटर अपने किसी ऑफिस जा रहा है या कहीं, तो शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान इलाकों से ना जाए, थोड़ा लंबा रास्ता अपना ले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाए, ताकि कभी लूटपाट, डकैती या ऐसे किसी अनजान शख्स के द्वारा नुकसान पहुंचाने की चांस कम हो जाए। अगर बच्चा है तो माता पिता के साथ जाए और माता पिता पूरा ध्यान रखें। अगर गंगा जी में नहाने के लिए भी उतरे हैं तो हर की पौड़ी पर संगली को पकड़ के ही उतरे और साथ में माता पिता हों। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो यहां तक क्लियर है आपको? अब बात आती है कि जब हमारे समक्ष किसी का प्रश्न आता है, प्रश्न कुंडली के द्वारा आ जाए कि जातक बीमार है, अस्पताल में है या दुर्घटना हो गई है, तो लगन का उप नक्षत्र स्वामी जो है सबसे पहले हम उससे देखते हैं। तो हमारे जो कारेश, ग्रहों के कारेश जो भाव हैं इस प्रकार से होते हैं। तो लगन का उप नक्षत्र स्वामी, जैसे यहां पर लगन का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है, तो सूर्य ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो लगन के विरोधी भावों को दर्शा रहा हो तो जातक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये प्रश्न कुंडली में आए। और यदि मान लो जन्म कुंडली है तो चल रही जो दशा है, चल रही दशा ऐसे ग्रहों के नक्षत्र में हो जो लगन के विरोधी भाव हो, तब
स्थिति जो है जटिल हो सकती है। ये सबसे पहले जो पॉइंट है इसको हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर तो ये जातक का चार्ट आया था, जन्म विवरण 27 अक्टूबर 1969 दोपहर के 2:30 भिवंडी जो है वहाँ का जन्म था। तो यहाँ पर भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में, तो ये डिटेल इस प्रकार से भरकर, और भिवंडी भरने के बाद हमेशा सर्च मोर प्लेसेस पर क्लिक करके कंट्री स्टेट सिटी पुष्टि करके फिर इसको एक्सेप्ट करके, तो फिर इसको जो है क्रिएट चार्ट। तो ये जैसा कि मेरे पास जो है प्रश्न आया था, तो उस समय ये मेरे पास 15 जून 2017 को, तो मैं यहां पर सबसे पहले 15 जून 2017। अब इससे ये है कि उस समय की जो दशा चल रही है वो हमारे समक्ष आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 जून 2017 से 20 जून 2017 तक गुरु शुक्र बुध चंद्र की दशा चल रही थी। और जब ये प्रश्न आया, ये जातक वेंटिलेटर पर थे, तो मेरे पास ये प्रश्न आया कि क्या इनका बचाव संभव है। तो यहां पर जन्म विवरण भरने के बाद सबसे पहले मैंने दशा को देखा, क्योंकि प्रश्न समय की दशा क्या चल रही है और क्या वो स्थिति को बता रही है ये देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने, यदि हम स्टेप बाय स्टेप करें तो आप रजिस्टर पर भी नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले ये है कुंभ लग्न की कुंडली, जो कि स्थिर लग्न की कुंडली है। स्थिर लग्न वालों का दूसरा और सातवां भाव ये मारक भाव है, नवम भाव जो है बाधक भाव है, और छठा आठवां और बारहवां ये नेगेटिव भाव हैं। तो चल रही दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में कौन से भाव एक्टिव हैं ये देखने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहां पर ग्रहों के कार्येष भाव का जो ग्रह नक्षत्र उप नक्षत्र का टेबल है इसको मैंने देखा साथ में। अब उस समय जो जातक थे, एक तो अस्पताल में थे, सीरियस भी थे, तो क्या चल रही जो दशा है वो किन भावों को दर्शा रही है उससे हमें जो है पता चलेगा। तो सबसे पहले तो देखें कि महादशा स्वामी गुरु आठवें भाव में स्थित, और आठवां भाव जो है वो घातक भाव है। दूसरा भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, दूसरा भाव मारक भाव। अब यहां पर इसलिए इसको मारक भाव लिया क्योंकि वो वेंटिलेटर पर हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में और मंगल 11वें भाव में स्थित, 3 और 10 का स्वामी। तीसरा भाव वो घर से बाहर। अब उसके बाद गुरु अपने ही उपनक्षत्र में 8 और 2 भावों की जो है पुनरावृत्ति कर रहा है। अब यहां पर एक बात और, दो बातें आती हैं, क्या गुरु अन्य किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है। तो यहां पर यदि हम देखें तो गुरु राहु का नक्षत्र स्वामी बना है। जब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह का नक्षत्र स्वामी बनता है उसको हम टेनेंटेड काउंट करते हैं। तो उस ग्रह का उपनक्षत्र का नक्षत्र, यानी कि गुरु मंगल गुरु, गुरु का आगे नक्षत्र भी मंगल ही हुआ, तो गुरु मंगल गुरु मंगल, तो वही स्थिति एक तरह से। अब अंतरदशा चल रही थी शुक्र की।
अच्छा यहाँ पर एक और बात, महादशा स्वामी गुरु जो है वो दूसरे भाव का स्वामी, तो दूसरा भाव मारक है ही है, ठीक है। अब अंतरदशा स्वामी शुक्र, शुक्र आठवें भाव में स्थित, महादशा स्वामी गुरु भी आठवें में स्थित, अंतरदशा स्वामी शुक्र भी आठवें में स्थित, और शुक्र जो है चार और नौ का स्वामी, तो ये स्थिर लगन की कुंडली थी। नवम भाव जो है बातक, जिसका स्वामी शुक्र, अब शुक्र आठवें में स्थित है, चार नौ का स्वामी है, तो आठवां भी नेगेटिव भाव है, नवम भाव भी नेगेटिव है क्योंकि बाधक भाव है। शुक्र चंद्र के नक्षत्र में तीन और छह, छठा भाव रोग का। शुक्र आगे बुध के उपनक्षत्र में आठवां भाव घातक, और पांचवां भाव जो है रिकवरी या इलाज, जिसके लिए वो अस्पताल में थे। फिर उसके बाद प्रत्यंतर दशा चल रही थी बुध की। अब बुध को देखे, बुध भी आठवें भाव में स्थित है, ये भी घातक दर्शा रहे हैं, और पांचवें भाव और आठवें भाव का स्वामी, तो पांचवा भाव होता है इलाज का और आठवां भाव होता है रुकावट का भी। बुध मंगल के नक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में, गुरु फिर आठ और दो, तो इस प्रकार से महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जो हैं वो नेगेटिव भावों को दर्शा रहे थे। और उस समय यदि देखें तो 20 जून 17 तक चंद्रमा की सूक्ष्म दशा थी। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आठ और सात, तो सातवां भाव मारक हुआ। चंद्रमा शनि के उपनक्षत्र में और शनि दो एक बारह, दूसरा भाव मारक, पहला भाव लगन शरीर, बारहवां भाव अस्पताल, तो यहां पर अस्पताल का भाव जुड़ा। तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा, मारक भाव भी आ रहे हैं, बाधक भाव भी आ रहा है, अस्पताल और बीमारी के भाव भी आ रहे हैं। तो यहां पर जो है स्थिति एक तरह से अच्छी चलती नहीं दिख रही थी, तो उनको यही बोला गया कि मतलब जो गुरु शुक्र बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा तो है ही है खराब, सूक्ष्म दशा चंद्र भी 20 जून तक जो है ये स्थिति चिंताजनक है, तो किसी तरह से ये पीरियड जो है निकले, तब हम उसको समझ सकते हैं कि शायद उसके बाद कुछ फर्क पड़े। अब एक और बात आपको मैं बताऊं, यहां पर यहां हर ग्रह के आगे आप देख रहे हैं कि बुध के आगे स्टार का निशान है, शनि के आगे स्टार का निशान है, यानी कि बुध अनटेनेंटेड है, शनि भी अनटेनेंटेड है, और प्रत्यंतर दशा बुध की चल रही थी अनटेनेंटेड। तो अनटेनेंटेड ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उसका मजबूती से फल देने में सक्षम होता है, तो बुध आठवें में स्थित है, पांच और आठ का स्वामी है, तो इनका भी मजबूती से फल देने में सक्षम है। इसके अलावा एक से बारह भावों में बुध जिस भाव का उपनक्षत्र स्वामी होगा उसका भी मजबूती से फल देने में सक्षम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बुध किस भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, नवम भाव का, नवम और नवम भाव क्या है, बाधक भाव, तो प्रत्यंतर दशा स्वामी बाधक भाव का मजबूती से फल देने में सक्षम है। जातक ऑलरेडी वेंटिलेटर पर थे, स्थिति चिंताजनक थी, तो एक तरह से ये खराब सिचुएशन है। अब यहां पर एक और बात कि महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, इनका यदि गोचर भी देखा जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो धीमी गति के ग्रह हैं, जैसे गुरु धीमी गति का ग्रह है, शुक्र और बुध ये तेज गति के ग्रह हैं, चंद्र भी तेज गति का ग्रह है, तो हमें मालूम है कि जो धीमी गति के ग्रह हैं ये एक नक्षत्र में काफी देर तक रहते हैं, तो इसलिए इनके उपनक्षत्र की स्थिति को हम देखेंगे कि किस ग्रह के उपनक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और तेज गति के जो ग्रह हैं वो किस ग्रह के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं ये देखने की जरूरत होती है। अब 15 जून 2017 की बात थी, तो हम यहां पर उस गोचर को भी देख लेते हैं।
15 जून 2017 ये मैंने नटल प्लेस ही कर दिया है, क्योंकि तो यहाँ पे मैं इसको कंप्यूट कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे समक्ष आ गया कि हर ग्रह किस राशि किस नक्षत्र में है, राशि और नक्षत्र के नाम आ गए। ऑल प्लैनेट्स अब लॉर्ड चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो हर ग्रह किस राशि किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र में, ये हमारे समक्ष आ जाएगा। तो उस समय गुरु की महादशा चल रही थी और गुरु जो था बुध के उपनक्षत्र से गोचरीय था। और जैसा कि हमने देखा कि बुध प्रतिन्द्र दशा स्वामी और अनटेनेंटेड होकर नौवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो कि बाधक भाव, तो महादशा स्वामी का गोचर अच्छा नहीं चल रहा था। फिर अंतरदशा स्वामी शुक्र ये अपने ही नक्षत्र से गोचरीय था, तो शुक्र भी जो है हमने देखा कि बाधक भाव का स्वामी है, ठीक है। अब प्रत्यंतरदशा स्वामी बुध, बुध का किस ग्रह के नक्षत्र से गोचर था, तो देखें बुध चंद्र के नक्षत्र से जो था 15 जून, उसके बाद फिर मंगल के नक्षत्र में और इसको मैं थोड़ा तारीख बढ़ा लेता हूं आगे तक। तो यहां पर अब बुध 17 तारीख तक को मंगल, तो मंगल के नक्षत्र में गोचरीय था और मंगल को देखें तो सूर्य के नक्षत्र में 7 और 8, सातवां भाव जो है मारक और आठवां भाव जो है घातक। तो एक प्रकार से महादशा स्वामी अंतरदशा स्वामी प्रत्यंतरदशा स्वामी जो थे वो अच्छे भावों के नक्षत्र या उपनक्षत्र में गोचरीय थे, मतलब अच्छे भावों के नहीं, मतलब कि जो व्यय भाव थे, जो मारक भाव या बाधक भाव इस प्रकार से। तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा भी नेगेटिव और जो गोचर है वो भी नेगेटिव, तो स्थिति चिंताजनक थी। इसलिए ऐसा लगा कि इस जातक जो वेंटिलेटर पर है इनका बचना मुश्किल है। तो 17 जून 2017 को इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से लॉन्गिविटी के ऊपर ये प्रश्न जन्म कुंडली के रूप में आया था और जिसको इस प्रकार से विश्लेषण करके समझा गया था। परंतु ये था कि उनको यही बोला गया था कि जो स्थिति है चिंताजनक है, तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये समय निकल जाए और आगे अच्छा समय आए। कभी भी डायरेक्टली जो है जो भी जातक है या क्लाइंट है उसको स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता, हमेशा यही बोला जाता है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्द कुशल मंगल हो जाएं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही जो हम आगे अन्य उदाहरणों को लॉन्गिविटी के ऊपर, और जैसा कि पीडीएफ लेसन में भी पहले भाव से संबंधित पूरा विस्तार वर्णन है और कुछ लॉन्गिविटी या आयु से संबंधित जो उदाहरण है उनको भी मैं आगे जो है बताऊंगा। तो इस प्रकार से ये पहले भाव से संबंधित जो उदाहरण है मैंने एक आपको बताया।